बहुत बहुत स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के पहले लेक्चर में। आज हम कार्नेटिक वॉर्स से शुरुआत करेंगे। कार्नेटिक वॉर्स बेसिकली इसमें हमें कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है, जो कंपनीज़ के बीच में लड़ाई हुई उस टाइम पे, जो दो मुख्य कंपनीज़ थी 18 सेंचुरी में, जो इंडिया में व्यापार करने आई थी, जिन्होंने फैक्ट्री सेटअप की थी इंडिया में व्यापार करने के लिए, तो ये उनके बीच में है। और इनके नाम थे, एक थे एंग्लोस जो ब्रिटिशर्स थे और दूसरे थे फ्रेंच। तो हम इस लेक्चर में इनके बारे में जानेंगे कि जो कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, इनके पीछे रीज़न क्या था, इनका मुख्य कारण क्या था, और कौन सी ट्रीटी साइन हुई है इन कार्नेटिक वॉर्स में, कौन से लोग शामिल थे इसमें। और हम जानेंगे जो कंपनी यहाँ पे रूल करने आई थी, व्यापार करने आई थी सॉरी, वो उसने कैसे रूल किया, एक पूरा शासन उसने अपना कैसे एस्टेब्लिश किया। तो ये पूरी जर्नी हम इस लेक्चर सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं कार्नेटिक वॉर्स के लेक्चर में। तो हम पहले जानेंगे कार्नेटिक हमने बोला किसको है। कार्नेटिक बेसिकली जो आपका आज का तमिलनाडु है और सदर्न आंध्र प्रदेश है, ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ये हमारा कार्नेटिक वाला एरिया है। बेसिकली इसको अंग्रेज़ कार्नेटिक बोलते थे, और इसकी कैपिटल थी आरकोट। यहाँ पर आपको एक आरकोट दिखेगा, यहाँ पर नवाब बैठता था उस टाइम पर। और ये पूरी कोस्टल एरियाज़ था, इसमें मद्रास में आपके एंग्लोज थे और पौंडीचेरी में आपके फ्रेंच थे। तो यहाँ पर इन्होंने कंपनी सेटअप की थी बेसिकली कोस्टल सिटीज़ पे, और यहीं से ये व्यापार करते थे क्योंकि व्यापार करने में इनको बहुत ही आसानी होती थी यहाँ से व्यापार करना, क्योंकि उस टाइम पर कोई ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटीज़ नहीं थी इंडिया में, रेलवेज़ नहीं थे और अच्छे रोड्स नहीं थे, तो यहाँ पे ये शिप्स के द्वारा हम अपना ट्रेड किया करते थे। तो हम इसमें जानेंगे कि इनके मुख्य कारण क्या थे। ऐसा था कि 18 सेंचुरी के टाइम पे, जो मिड 18 सेंचुरी है, उसमें एक मुख्य कारण जो था वो था एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। इनके बीच में लड़ाई थी इस बात को लेकर कि सुप्रेमेसी कौन करेगा, सुप्रेमेसी किसकी होगी व्यापार में, कौन किसका बड़ा नाम होगा। बेसिकली इनका मेन मोटिव यही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को या अपनी कंट्री को फाइनेंशियल गेन्स दे सके, ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इनका बिलीफ सिर्फ उसी चीज़ में था, और उसी के लिए इन्होंने एक दूसरे को दबाना शुरू किया, एक कारण ये था इनका। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इंडिया में इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना इन्होंने इसीलिए शुरू किया, जब इन्होंने देखा, जब औरंगज़ेब का शासन जब ख़त्म हुआ, जब वो मर गया, तो उस दौरान मुग़ल एम्परर्स पूरी तरह से हिल चुके थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे थे, इतने मज़बूत नहीं रहे थे उस दौरान, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। और उसके बाद इन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू किया अपनी, चाहे वो नवाब ऑफ़ आरकोट के साथ हो या निज़ाम ऑफ हैदराबाद में हो, तो उनके साथ इन्होंने किया दोस्ती की और एक दूसरे की मदद की, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कैसे ये आगे बढ़े और कैसे धीरे धीरे करके ये इक्वालिटी, एक दोस्ती से एक रूलर बने। तो वो सब हम पढ़ेंगे सीरीज़ में, तो आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। पहला है हमारा जैसे कि कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। कार्नेटिक वॉर्स हमने पढ़ा, कार्नेटिक वॉर्स पहला, जैसे मैंने बताया था आपको, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी कि 18 सेंचुरी में इंग्लिश और फ्रेंच कंपीट कर रहे थे एक दूसरे के साथ सुप्रीमेसी पाने के लिए वर्ल्ड में। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ भारत में ही इनकी फैक्ट्री थी, इनकी कई अन्य देशों में अपनी फैक्ट्री थी जहाँ पे व्यापार करते थे और पैसा कमाते थे। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करना शुरू किया इंटरनल पॉलिटिक्स में। और कार्नेटिक रीजन, जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया वॉज अ मैनिफेस्ट इन द कार्नेटिक रीजन एंड इन बंगाल, ये बेसिकली एक कार्नेटिक रीजन में रहा और कुछ हिस्सा जो बंगाल का था वहीं पर ये लड़ाई रही। क्योंकि वहीं पर आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि यहीं पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहीं पर इनकी फैक्ट्रीज़ है, चाहे हम उसे मद्रास ले लें या पौंडीचेरी ले लें, ठीक है। आरकोट भी यहीं बैठ रहा है, बंगाल का कुछ एरिया है जो इसमें आएगा, यहीं पर लड़ाई हुई, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे पहला कार्नेटिक वॉर। पहला कार्नेटिक वॉर की शुरुआत होती है 1746 से 48 तक, 1746 से 1748 तक। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो 1746 से 1748 तक हुआ, इसमें आपको ये टाइम पीरियड याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट एक ज़रा दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये अराउंड 1750 मतलब मिड में शुरू हुई 18th सेंचुरी के। तो वहाँ पे आप देखिए पहला कार्नेटिक वॉर का जो रीज़न था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप कि रीज़न था ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ का राजा की मौत हो जाती है किसी कारण, और उसके घर में लड़ाई हो जाती है कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा, राजा कौन बनेगा। तो वहीं पर इन्वॉल्वमेंट होती है ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की। ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, ब्रिटिश का राजा होता है वो चाहता है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव राजा बने, और जो फ्रेंच का राजा होता है वो चाहता है कि उसका रिप्रेजेंटेटिव राजा बने। तो वहाँ से इनके बीच में विवाद शुरू हो जाता है और बाद में ये लड़ाई का रूप ले लेता। जब ये लड़ाई का रूप लेता है, ये लड़ाई इनकी यहाँ कार्नेटिक रीजन में नहीं शुरू होती है, ये पहले आराम से दोस्त होते हैं आपस में, जो कंपनीज़ होते हैं कंपनीज़ के आपस में कोई भी लड़ाई नहीं होती है। वहाँ पर यूरोप में बैठे राजा जो ब्रिटिशर्स है और जो फ्रेंच है उनके बीच में लड़ाई होने की वजह से वो एक लेटर भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं कि वॉर डिक्लेयर हो चुका है और आपको वॉर करना है इनके खिलाफ। तो वहाँ से ये वॉर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले इंग्लिश जो नेवी होती है वो अटैक करती है फ्रेंच पे, उनकी फ्रेंच मर्चेंट्स की शिप्स को वो तबाह कर देती है स्टार्टिंग में, क्योंकि ब्रिटिशर्स की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है कंपैरेटिवली फ्रेंच से। तो डुप्लेक्स एक व्यक्ति होता है जो गवर्नर होता है फ्रेंच का, वो अटैक करता है मद्रास को। किसकी मदद लेता है वो, ला बॉर्डोनेस की, जो मॉरिशस का गवर्नर होता है उस टाइम पे, जो अपनी नेवी लेकर आता है ला बॉर्डोनेस, और वो मदद करता है डुप्लेक्स की मद्रास को कैप्चर करने के लिए, और ये बुरी तरह से एंग्लोस को ब्रिटिशर्स को वहाँ से हरा देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद जो अंग्रेज़ होते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं इंग्लिश, वो मदद मांगने के लिए जाते हैं अनवारुद्दीन के पास, जो नवाब होते हैं आपके आरकोट के उस टाइम पे, और जो फ्रेंच होते हैं वो चंदा साहिब के पास जाते हैं, जो ब्रदर इन लॉ ऑफ अनवारुद्दीन होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं अंग्रेज़, क्योंकि उस टाइम पे जो नवाब ऑफ आरकोट है अनवारुद्दीन, उनकी गद्दी पर जो बैठना चाहते हैं वो कौन है, चंदा साहिब। तो इनके आपस में भी एक इंटरनल लड़ाई है, और जिसको जानकर ये जो इंग्लिश मैन और फ्रेंच है मदद मांगने जाते हैं अनवारुद्दीन के पास, इंग्लिश जाता है और फ्रेंच जाते हैं चंदा साहिब के पास। तो एक बैटल है, बैटल ऑफ एडियार एडियार नदी के पास में लड़ा जाता है। ये काफ़ी फेमस बैटल है, इसमें बस आपको याद रखना है कि इसमें फ्रेंच की विक्ट्री होती है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें करीब 200-300 फ्रेंच आर्मी थे जिसने अनवारुद्दीन के हज़ारों जो ट्रूप्स थे उनको हरा दिया था, जिससे बहुत ही बूस्टअप हुआ था मोराल फ्रेंच ट्रूप्स का। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये इनकन्क्लूसिव वॉर था, कुछ जगह फ्रेंच जीते और कुछ जगह हमारे एंग्लोज जीते, ब्रिटिशर्स जीते। तो बेसिकली ये एक इनकन्क्लूसिव वॉर था। सिग्निफिकेंस इसका यही रहा कि जो मोराल था यूरोपियंस का वो काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि उन्होंने एक छोटे नंबर के जो ट्रूप्स थे नंबर्स में, उन्होंने एक लार्ज नंबर, ह्यूज नंबर्स को जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको हराया था, तो उनसे उनका मोराल बूस्टअप हुआ। एक ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपले जो यूरोप में साइन हुई थी, जिसके बाद फर्स्ट कार्नेटिक वॉर रोक दिया गया था, तो ये याद रखेंगे आप, ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपले। आगे पढ़ते हैं हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर में। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या था, सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू होता है 1749 से 1754 तक। इसके बीच रीज़न ये था कि इंटरफेरेंस शुरू हुआ इंटरनल पॉलिटिक्स में हैदराबाद और आरकोट बाय यूरोपियंस। जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी हैदराबाद और आरकोट में यूरोपियंस की बढ़ने लगी, उसमें एंग्लोज भी हिस्सा लेने लगे और फ्रेंच भी हिस्सा लेने लगे। तो इस टाइम आप देखेंगे जैसे पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे नवाब ऑफ जो आरकोट थे अनवारुद्दीन के बीच में और चंदा साहिब
के बीच में विवाद चल रहा था, तो ये इस टाइम पे सेकेंड कार्नेटिक वॉर के टाइम पे भी इसका रोल होगा। और हैदराबाद में जो निज़ाम बैठते थे, निज़ाम असफ जाह, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनका जो बेटा था नासिर जंग, उनको वहाँ का निज़ाम बनाया गया, जिसको चैलेंज किया उन्हीं के नेफ्यू ने, जिनका नाम था मुजफ्फर जंग। तो अब क्या होता है, अब एक तरह से आप देखेंगे कि अब इनके अलाइंस बनने शुरू होंगे। अलाइंस बनने शुरू होंगे कैसे, आप देखेंगे आगे। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई है, आरकोट में अनवारुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में लड़ाई है। फ्रेंच की साइड अब कौन है, फ्रेंच से कौन कौन है, डुप्लेक्स जो पहले कार्नेटिक वॉर के टाइम पे भी इनका गवर्नर था, ठीक है। आरकोट से कौन है, चंदा साहिब, जो आरकोट का नवाब बनना चाहता है, और हैदराबाद का निज़ाम कौन बनना चाहता है, मुजफ्फर जंग। तो ये तीन लोग थे, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। इंग्लिश के साथ जो ब्रिटिशर्स थे, इसमें कौन था, रॉबर्ट क्लिफ। रॉबर्ट क्लिफ गवर्नर नहीं था, ये एक ऑफिसर ही था जो एक लो पोस्ट से एंट्री करी थी, और बाद में इसने अपनी बहुत ही सक्सेसफुल रहे अपने करियर में, इनका बहुत काफ़ी नाम भी हुआ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लिव होते हैं, और नवाब अनवारुद्दीन होते हैं, और इनके बेटे मोहम्मद अली और नासिर जंग, जो हमारे निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैं। तो ऐसा होता है कि अनवारुद्दीन को हरा दिया जाता है, जॉइंट फोर्सेस मिलकर, फ्रेंच की, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, ये मिलकर इनकी जो आर्मी होती है, ये अनवारुद्दीन को हरा देते हैं और चंदा साहिब को नवाब ऑफ आरकोट बना दिया जाता है। नासिर जंग के साथ क्या होता है, नासिर जंग को उन्हीं का कोई नोबल, उन्हीं का ही कोई मंत्रिमंडल में कोई आदमी उन्हें मार देता है, तो उनका ये होता है। उसके बाद जो फ्रेंच होते हैं, अब फ्रेंच इस टाइम पे जो डुप्लेक्स है, जो गवर्नर है फ्रेंच का, वो उसकी जो पावर है वो हाइट पर है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे नवाब ऑफ आरकोट है जो चंदा साहिब है, वो भी उस उनका दोस्त है, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद मुजफ्फर जंग, वो भी उनका दोस्त है। तो यहाँ पर डुप्लेक्स की पावर बिल्कुल हाइट पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है इस इंसिडेंट के बाद, कि जो अनवारुद्दीन नवाब ऑफ आरकोट होता है पहले, उनका बेटा होता है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जाता है ब्रिटिशर्स के पास। अब मोहम्मद अली ब्रिटिशर्स के पास जाता है उनकी हेल्प मांगने के लिए कि मुझे नवाब ऑफ आरकोट बनना है, जैसे आपने मेरे पिता की मदद की थी वैसे ही मेरी भी मदद की जाए। तो अब रॉबर्ट क्लिव को बुलाया जाता है, और रॉबर्ट क्लिव इसमें बिल्कुल सफल रहते हैं, वो हरा देते हैं चंदा साहिब को, तंजौर में, उनकी तंजौर में हराते हैं उन्हें। और एक फेमस इंसिडेंट है उनका काफ़ी, कि वो 50 दिन तक फोर्ट विलियम को डिफेंड करते हैं, अगेंस्ट किसके, फ्रेंच की आर्मी के, और जो नवाब की आर्मी होती है उसके खिलाफ भी पूरा उसे डिफेंड करते हैं, जिससे उनकी बहुत वाहवाही हो जाती है ब्रिटेन में, और वहाँ से उनका एक सक्सेसफुल करियर, एक चेंजिंग पॉइंट की शुरुआत होती है आप कह सकते हैं। उसके बाद चंदा साहिब को भी हरा दिया जाता है, ठीक है, मार दिया जाता है, और मोहम्मद अली अब नवाब बन चुके हैं आरकोट के। डुप्लेक्स को वापस बुला दिया जाता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं 1754 में, वो बहुत नाराज़ होते हैं डुप्लेक्स से, क्योंकि उनका मोटिव तो यही होता है व्यापार करना, और वो देखते हैं कि डुप्लेक्स वहाँ पर इंडिया में क्या कर रहा है, वहाँ पे उनके लोग मर रहे हैं और वो इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। कंपनी को तो सिर्फ वहाँ पे व्यापार करने के लिए भेजा था, पैसा कमाने के लिए भेजा था, बट वो तो जंग लड़ रही है, वॉर लड़ रही है अपनी मर्ज़ी से, तो ये सब उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आया और उन्हें वापस बुला लिया गया। एक ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी याद रखें, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी सेकेंड कार्नेटिक वॉर को एंड करने के लिए की गई थी 1754 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर क्या था, थर्ड कार्नेटिक वॉर 1758 से 63 के बीच में हुआ था। ये 7 साल तक चला था, 7 ईयर वॉर था ये, और यही पहला वॉर था जो इतने टाइम तक चला, और ये बाहर भी चला, कार्नेटिक रीजन से बाहर भी चला। इसमें इवेंट्स क्या थे, कि इनिशियली पहले फ्रेंच हावी हुए ब्रिटिशर्स पे, बट बाद में इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया, और थर्ड कार्नेटिक वॉर में पूरी तरह से जो फ्रेंच कंपनीज थी उनको पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया, पूरी तरह से हरा दिया, उनकी पूरी पावर ही छीन ली थर्ड कार्नेटिक वॉर के एंड होते होते। तो एक काफ़ी फेमस बैटल है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, जिसमें सर आयरी कॉटे, जो
इंग्लिश मैन होते हैं, ब्रिटिशर होते हैं, ये डिफीट करते हैं काउंट डी एली को, फ्रेंच के, ये फ्रेंच की तरफ से होते हैं। 1760 में ये लड़ाई होती है और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री होती है ब्रिटिशर्स की इस लड़ाई में। और इसके बाद जो इंग्लिश होते हैं वो नॉर्दर्न सरकार्स मसूलीपट्टनम को कैप्चर कर लेते हैं, पौंडीचेरी उनके पास आ जाता है। फिर एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है इस लड़ाई के बाद, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगी। इसमें क्या है, इसमें अब फ्रेंच को ये अलाउड कर देते हैं कि तुम अपनी फैक्ट्री रख सकते हो पौंडीचेरी में और चंद्रनगौर में, बट कोई भी मिलिट्री एक्सपेंशन ये अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ थी कि इस दौरान पूरी तरह से फ्रेंच पावर डिमोलिश्ड हो गई आफ्टर द थर्ड कार्नेटिक वॉर। वॉर के बाद भी जब थर्ड कार्नेटिक वॉर, जब फ्रेंच की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तब भी इन्होंने कहीं ना कहीं, चाहे वो मराठास हो, चाहे वो मैसूर डायनेस्टी के टाइम पे टीपू सुल्तान की मदद करने की कोशिश फ्रेंच ने अपनी तरफ से की इंटरनली, ताकि जो सुप्रीमेसी है ब्रिटिशर्स की वो हटा सके, बट ये फेल हुए और ये पूरी तरह से मदद नहीं कर पाए। कॉजेस जो फ्रेंच के थे कि वो फेल क्यों हुए, उसके पीछे मुख्य कारण, एक बड़ा मुख्य कारण तो यही था कि जो नेवीज थी ब्रिटिशर्स की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी कंपैरेटिवली फ्रेंच के, और जहाँ पे फ्रेंच की नेवी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आपको याद होगा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे डुप्लेक्स जो गवर्नर होता है वो भी हेल्प मांगता है मॉरिशस के गवर्नर से, क्योंकि फिर वो मिलकर हराते हैं, मद्रास को कैप्चर करते हैं, ठीक है। दूसरा था कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, ब्रिटिशर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट था और जो फ्रेंच थी वो प्राइवेट थी, जो कंपनी आई थी ना वो प्राइवेट थी, तो इसलिए उसमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा था। तीसरी चीज़ ये थी कि फ्रेंच को भी लोकल सपोर्ट था कुछ डेक्कन में, बट एक बड़ा बेस था ब्रिटिशर्स के पास बंगाल में, वही हम देखेंगे, बंगाल में एक बड़ा बेस था। इंग्लिश के पास तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, कैलकटा था, बॉम्बे था, मद्रास था, बट फ्रेंच के पास वहाँ पर सिर्फ पौंडीचेरी था, और बाद में सिर्फ पौंडीचेरी में ही वो काम कर रहे थे ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद, आप देखोगे तो। और एक और कारण था कि जो ओपिनियन था फ्रेंच जर्नल्स का, जैसे आपको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के टाइम पे जब मॉरिशस का गवर्नर आता है और डुप्लेक्स और उनके बीच में कुछ ओपिनियंस मिसमैच हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कहा जाता है कि वो आधी ही लड़ाई में वापस चले गए थे, तो ये भी एक कारण था कि उनका ओपिनियन नहीं मिलता था। और इंग्लैंड विक्ट्री इन द यूरोपियन वॉर डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच इन द इंडिया, और इसी ने ही डेस्टिनी आपकी डिसाइड करी फ्रेंच की कि इंडिया में उनका रोल कैसा रहा। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कार्नेटिक वॉर्स में सिग्निफिकेंस यही रहा, इसका इम्पैक्ट यही रहा कि इससे ही शुरुआत हुई। पहले तो कंपनी सिर्फ आई थी और काम कर रही थी, व्यापार कर रही थी, इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई भी उनका कोई भी रुचि नहीं थी, कोई भी उनका सोच नहीं थी, वो सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स चाहती थी उस टाइम पे। बट कार्नेटिक वॉर जब शुरुआत हुई, जब राजाओं के बीच ऑस्ट्रेलियन वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद जब उन्हें कहा गया कि आप वॉर डिक्लेयर करिए, उसके बाद उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स में आपका इन्वॉल्वमेंट करने लगे, और उसकी यही एक शुरुआत है जहाँ से इंटरनल पॉलिटिक्स में आपकी शुरुआत होने लगी। उसके बाद कॉलोनाइजेशन होने लगा इंडिया में, ये शुरुआत थी। और जो यूरोप, ये पहली एक मेजर लड़ाई थी यूरोपियन सोल्जर्स की अगेंस्ट इंडियन ट्रूप्स, जो बहुत नंबर में बहुत ज़्यादा थे, और इन यूरोपियन सोल्जर्स का एक तरह से मोराल बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि जो यूरोप है वहाँ की वेदर कंडीशंस में और भारत की वेदर कंडीशंस में बहुत फ़र्क है। भारत में गर्मी है और ये यूरोपियन बहुत दूर भी थे अपने घर से, और ये जब इन्होंने लड़ाई करी तो ये कुछ ही नंबर्स ने एक बहुत लार्ज नंबर को हरा दिया, तो इससे इनका मोराल और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर का, आगे हम इसी सीरीज़ में आगे पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखिए और अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिए, आपको वीडियो कैसी लगी, एंड थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।